हम प्रेम की बात करते हैं तो राधा और कृष्ण से अच्छा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। हमारी धरती पे प्रेम जो लाए हैं वो हैं ही राधा कृष्ण। उनका जो हमारे मृत्यु लोग जो धरती है उस पे आगमन हुआ था, उनका अवतरण हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि वो धरती पे प्रेम समझा सके। तो जब प्रेम समझा लिया उसके बाद दोनों बिछड़ गए। राधा ने फिर आगे मिले तो क्या उनके बीच में बातें होंगी, तो यही मैं आपको सुना रही हूँ। इसी को सुनाते हुए, ये किसी और के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं, मैं फिर से कह रही हूँ। मैंने ये वीडियो देखा था और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण राधा से बिछड़े फिर नहीं मिले, स्वर्ग में विचरण करते हुए टकरा जाए तो क्या बात हो सकती है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होकर गए थे, और राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी क्योंकि प्रेम में डूबी थी, वो अभी भी प्रेम में डूबी हुई थी कृष्ण के। राधा मुस्कुराई और कृष्ण सबकाए, क्यों? क्योंकि राधा प्रेम में है, वो आज भी उनको देख के मुस्कुरा गई और कृष्ण क्या हुआ सब पगा गए। इससे पहले कुछ कह पाते कृष्ण, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश, जो राधा उन्हें काना काना कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। आप महसूस कर सकते हैं, जो आपको प्रेम से किसी नाम से बुलाता हो, कोई आपको प्रेम से, आप ही किसी को प्रेम से चुन्नू मुन्नू या कुछ भी कहते हो, और उस दिन आपको अचानक से मिले और आपके नाम से पुकारे, तो आप क्या महसूस करेंगे। वही कृष्ण भी महसूस कर रहे हैं, जो उनकी प्रिय सखी राधा उन्हें काना काना कह के पुकारती थी, आज वो उनको द्वारकाधीश के देख कह के संबोधित कर रही हैं। कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया, फिर भी अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा मैं तो आज भी तुम्हारे लिए काना हूँ, तुम द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहता हूँ कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसू की बूंदें निकल आती थी, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसू की बूंद निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम्हारी याद आती, और इन आँखों में तो तुम ही रहते हो कान्हा, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ इसलिए रोती भी नहीं थी। कुछ कड़वे सत्य सुन पाओगे तो सुनाऊं, राधा बोली कान्हा द्वारकाधीश बनने पर प्रेम से अलग हो गए होने पर तुमने क्या खोया है, उसका एक आईना दिखाऊं। मतलब जब तुम द्वारकाधीश से कान्हा से द्वारकाधीश बने हो तो उसके बाद क्या खोया है तुमने, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, और दसों उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या रंग दिखाने लगी, उंगली क्या क्या रंग दिखलाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा के विनाश के काम आने लगी। अंग तो वही होता है पर जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, जब वो प्रेम से जुड़ता है, अंग जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, और प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क है बताऊं, कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते,
सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंपती और खुद को पांडवों के साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो उसका पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा पर ही तीर चला रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे, प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ खड़े नजर आओगे, आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं, और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, आज उसके समापन पर भी राधे राधे करते हैं, यही है, यही अंतिम सत्य है, प्रेम, प्रेम ही अंतिम सत्य है। अगर प्रेम नहीं होता तो शायद जो अभी भी धरती पे है, लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, वो नहीं होते। तो अंतिम सत्य ही प्रेम है। तो ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप लोग को ज़रूर सुनाऊँ। तो अगर आप मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। और ये मैंने नहीं लिखा है, मैं फिर से कहूँगी मैंने नहीं लिखा, ये किसी की वीडियो मैंने देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा एक वीडियो बना के मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।